इलेक्ट्रोल पाउडर ऑरेंज फ्लेवर, इससे एफडीसी फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 21 ग्राम का है और इसकी जो कॉस्ट है वह 21 रुपीज है। तो इलेक्ट्रोल पाउडर आपको किस तरह की समस्या में इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे मिलते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप इसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वही पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर आप पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्यूचर में बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जब आपको ये समस्या रहती है, जैसे कि आपको लूज मोशन हो रहा है और आप बार बार फ्रिक्वेंटली बाथरूम को जा रहे हैं, तो जब आप एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, यानी आपको इंस्टेंट ऊर्जा की ज़रूरत रहती है, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी आपके अंदर जो इलेक्ट्रोल्स की कमी हो गई है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम और जैसे कि सोडियम सिट्रेट या डेक्स्ट्रोज की जब कमी हो जाती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके अंदर ये कमी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा ही वीकनेस फील होता है, जैसे कि आपको चलने में चक्कर वगैरह आते हैं, तब इसको दिया जाता है। इसको जब देते हैं तो ये आपके डायरिया को ठीक नहीं करता है, ये आपको रिहाइड्रेट करता है, यानी आपके डिहाइड्रेशन को दूर करता है, यानी जो आपको चक्कर वगैरह आ रहे थे इलेक्ट्रोल की कमी की वजह से उसे दूर करता है। तो जैसे कि अगर आप जैसे कि डायरिया के लिए आप दवा लिए हैं, उसके बाद अगर आप इसको ले रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट आपको रिकवरी होती है। जैसे आप 2 से 3 बार चले जाते हैं बाथरूम तो आप समझ ही सकते हैं कितनी तकलीफ होती है, तो उस समय ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसे करना चाहते हैं उस तरह की समस्या में, तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में आप डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। बिना डॉक्टर की सलाह से इसे इस्तेमाल ना करें। अगर आप करेंगे तो हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको जुलाब भी हो सकती है बार बार आपको, और जैसे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकती है, तो ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको रिहाइड्रेशन के लिए करना है, ना कि डायरिया डिसेंट्री के लिए करना है। तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। यह वीडियो एक एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।